हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज के दिन का शुरुआत हो रहा है डल कॉलोनी से। तो अभी दोनों भाई को घूमने जाना है डल लेक, तो बस अभी डल लेक चलते हैं। तो अभी भाई दोनों बिमना बाईपास आ गया है गाड़ी छोड़ के, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था और अब हमें बाइक के पास लाइसेंस भी नहीं था। तो हमने सोचा कि बिमना में गाड़ी छोड़ के अभी बिमना बाईपास आ गया है। कैब बुक किया था, अभी अभी कैब का वेट करें, कैब अभी आया ही नहीं। हेलो, फाइनली कैब आ गया। डल गेट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा भाई जी? अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो हार्डली 20 मिनट। अच्छा, अगर ट्रैफिक होगा। ओके, आपने गाड़ी बहुत अच्छा रखा है कैब के लिए, ग्रैंड आइटम। नहीं तो सब सेफ और वैगनार। ओके भाई, शुक्रिया। तो अभी डल लेक पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी किश्तियाँ, ये देख सकते हो। अभी किश्ती में जाएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे डल लेक। हैप्पी जर्नी। तो फाइनली हम डल लेक पहुंच चुके हैं और हम किश्ती में भी बैठ गए हैं। यहाँ पे पर आवर 750 बोल रहा था और हमारे को भैया ने कम करके 500 मिल गया। बस तो भैया क्या क्या घुमाएंगे यहाँ पे? कितना किलोमीटर है ये? बहुत बड़ा किलोमीटर, 35 किलोमीटर बड़ा। अच्छा अच्छा, इसमें अगर 2 दिन भी घूमेगा ना तब पूरा नहीं हो जाएगा, ये दिखता है ऐसा छोटा। अच्छा अच्छा, लेक तो बहुत बड़ा है। चलो अभी आप हमें 1 घंटा घुमाओ, ठीक है? तो अभी गेट नंबर 2 से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट भी है। और भाई फिर कैसा है? बहुत मज़ा है भाई, और बहुत मज़ा फील आ रहा है भाई, अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पहाड़ वाला साइड को क्या बोलते हैं? इसको इधर अस्ताना है ना, गुपकार 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 ही अस्ताना। ये पानी साफ नहीं है यार, गंदा है। पानी के अंदर एक बार देख के देखते हैं क्या दिखता है। पानी साफ होता तो अंदर का सब कुछ दिख जाता। यहाँ पे भाई सब चिल करते हुए हैं भाई, मजा आ रहा है। तो अभी हम इसके अंदर से जा रहे हैं। क्या निकलता है भाई इस ग्रीन वाले फ्लोर में? कमल का। अच्छा, कमल का वाइट वाला फूल। अच्छा अच्छा, क्या ही खूबसूरत है, ये देख सकते हो आप लोग। हाँ जी, हाँ सर्दी में तो जमेगा ही, इतना ठंड आता। और अभी हमारा भाई साहब यहाँ पे चिल करते हुए डल लेक के नज़ारा लेते हुए मजे कर रहे हैं, ये देख सकते हो। मज़ा आ रहा है कितना? बहुत। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिर हुसैन। इसका? इसका नासिरुद्दीन, सईद नासिरुद्दीन। ये होटल पुलिस पानी के बीच में है भाई जी। तो अभी मैं भी किश्ती चला रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, मजा आ रहा है। चल भैया, शुक्रिया है ना। ओके ओके। तो अभी डल लेक में किश्ती में जाके घूम फिर के वापस आ गया है। बहुत मजा है, एक नंबर, बहुत मजा है। ओके, तो अभी भाई दोनों खयाम चल रहे हैं। खयाम पे बढ़िया तुच्ची मिल से कश्मीर आया और खयाम नहीं गए और तुच्ची नहीं खाए तो आए क्यों? भाई स्मार्ट लग रहा है, उसका जिंदाबाद है। तो अभी खयाम
यहाँ पहुँच गया है। ये रहा तुच्ची, इधर ऑर्डर देंगे दिन अंदर खाने के लिए चला जाएंगे। कुछ इस तरह के से पकाया जाते है तुच्ची को। मटन तुच्ची कितने में? 170 में, इसके साथ बाबा साहब और चटनी 7-8 है। 170। लोकेशन? हयाम चौक। हयाम चौक और श्रीनगर। तो अभी भाई दोनों के लिए एक एक तुच्ची आ गया है। टेस्ट कैसा है भाई? बहुत अच्छा है भाई। तूने थोड़ा खाया ना? हाँ, एक नंबर। ठीक है, वो तुच्ची खा के ख़त्म हो गया। अभी आ गया है बिरयानी। ओ भाई, गेम बाद में खेल लेना, पहले खाना खा। टेस्ट कैसा है? अच्छा। तो अभी खाना वाना खा के फ्री हो गया है, अभी वापस जाना है बिमना। तो इस वीडियो को कल कंटिन्यू करते हैं, और मुझे कल जाना है दिल्ली, कश्मीर टू दिल्ली मेरा फ्लाइट है, तो कल मिलते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये मैं कल का व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मुझे जाना है मार्केट, एक आध काम है वो निपट लेते, फिर मुझे एयरपोर्ट भी निकलना है, और मैं कैब भी बुक कर रहा था। जिग्नू ऐप बोल के एक ऐप है, उससे कैब बुक कर रहा था। तो कैब तो बुक हो रहा था, लेकिन मतलब कैब आ ही नहीं रहा। 5-10 मिनट का वेट करने के लिए बोल रहे, लेकिन आ ही नहीं रहा है। इधर ओला उबर कुछ भी नहीं चल रहा था। तो फिर अभी बाज़ार चलते हैं, एक आध काम है वो निपट लेते हैं, देन कैब ऑटो जो भी मिले वो भी देख लेते हैं, फिर एयरपोर्ट भी निकलना है। Yes. टैक्सी तो मिला ही नहीं, आप इस ऑटो को लेके जा रहा हूँ। तो अभी बस रेडी हो चुका है, अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। नीचे ऑटो खड़ा है, बस अभी चलते हैं जी। भैया चलो भैया, बिस्मिल्लाह। कितना टाइम लगेगा भाई जी एयरपोर्ट तक? आधा घंटा। आधा घंटा। और अभी यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर ऑटो नहीं छोड़ रहा था, तो यहाँ से टैक्सी बना के जा रहा हूँ। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गया। यहाँ पर लंबा लाइन है लेकिन एंट्री के लिए। सो फाइनली वी आर एंटरिंग इन कश्मीर एयरपोर्ट। तो फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया। गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 3 इस तरफ है। तो बस अभी गेट नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ। अगर कोई भी कश्मीर के एयरपोर्ट आ रहे तो मतलब थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि यहाँ पे चेक इन वगैरह 2-3 बार हो रहा है। तो चेक इन वगैरह सब कुछ करके फ्री हो गया। अभी टाइम बज रहा है 12:20, 1 बजे फ्लाइट है। तो बस अभी 1 बजने की वेट करें, तब तक के लिए यहाँ की वेट करेंगे। तो तब तक के लिए एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए, और नाखून बिल्कुल नहीं होने की वजह से ये भी नहीं खुल रहा है मुझसे। यहाँ पे दो विंडो भी यहाँ पे होना चाहिए, एक विंडो आगे है, दूसरा विंडो पीछे है, बराबर में भी नहीं है सीट के बराबर। वेलकम टू दिल्ली एनसीआर विद मी। सब प्लेन लैंड करते ही भाग रहा था, लास्ट पैसेंजर में हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। चलो चलो, अभी बैगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। बैग कलेक्ट करेंगे, देन एग्जिट करेंगे। एग्जिट करते टर्मिनल 3 के पास ये दिल्ली मेट्रो पड़ता है, वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, देन नॉर्थ दिल्ली चले जाएंगे। और अभी दिल्ली पहुँच गया, और अभी एग्जिट कर लिया। और दिल्ली में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, और एयर क्वालिटी 260। अभी यहाँ से दिल्ली मेट्रो पकड़ेंगे। और आप लोगों को व्यू दिखाते हैं।